dear students, welcome to Polestar English Medium School. I, Maulik Trivedi, again welcomes you all for Standard 7 Math. We were dealing with exercise 1.3. Last lecture mein humne 6 sum tak last mein blank ki thi. Ab uske aage badhte hain. Now we are having kind of word problem. We'll see. Okay. The question 7 says that if the price of a machine depreciates matlab kam hona at the rate of rupees 1500 per year. मतलब कि हर साल उसकी जो प्राइस है वो 1500 रुपए कम होती है कि मान लीजिए कि आज उसकी प्राइस जो है वो 5000 रुपए तो एक साल बाद 5000 में से 1500 कम हो गए ऐसा वो कहना चाहते हैं. इफ इट वॉज बॉट फॉर रुपीज 15800 ओके उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी 15800 उसकी ओरिजिनल प्राइस है. What will be its price after 5 years? मतलब के 5 साल के बाद उसकी प्राइस क्या होगी. अब देखो ओरिजिनल प्राइस जो है वो कितनी है 15800 रुपीज. ओके आफ्टर 5 years. अब हर साल 1500 कम हो रहे ऐसे कितने साल चल रहा है 5 साल चल रहा है. तो बेसिकली हमें पता है कि 1500 अगर दो बार कम हुए तो बेसिकली उसका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए. तो मतलब कि ये चीज 5 साल तक चलती है तो 1500 × 5 1500 × 5 हमें पता है कि इतनी अमाउंट जो है वो डिक्रीज होगी. तो प्राइस आफ्टर 5 years दैट विल बी इक्वल टू 15800 माइनस अब 1500 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है. क्यों इतनी प्राइस कम हो रही है क्योंकि 1500 एक साल के लिए ऐसे 5 साल चलते हैं तो इनटू 5 करना पड़ेगा. अब ये जो चीज है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 × 5 = 75 सो दैट इज 7500 हमारा आंसर है. अब सिंपली इन दोनों को माइनस करना है तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा कि 5 साल के बाद ये जो मशीन है उसकी प्राइस क्या होगी. ये सिंपल 0 × 0 = 8 − 5 सो दैट विल बी 3. अब 15 − 7 करेंगे तो 15 − 7 हमें सिंपल कैलकुलेशन तो आता ही है. तो जैसे ही आप आंसर दोगे ठीक है तो वो आंसर आएगा 8800 रुपीज. तो जो भी मशीन जब भी ली गई थी तब उसकी प्राइस 15800 थी और हर साल अगर 1500 रुपए कम होते तो 5 साल के बाद उस जो मशीन जो उसकी प्राइस क्या होगी 8300 रुपीज वो उस मशीन की वो प्राइस है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अ हॉट एयर बलून बिगिंस टू डिसेंड टुवर्ड्स द हाइट ऑफ 2250. उस हाइट पे एक बलून है वहां पे उसकी जो हाइट जो है वो डिसेंड होती है मतलब नीचे आ रही है मतलब बलून जो है वो नीचे आ रहा है. इफ इट डिसेंड एट द रेट ऑफ 150 फीट पर मिनट एक मिनट में 150 फीट का डिसेंडिंग हो रहा है और ओरिजिनल ये थी. फाइंड द हाइट आफ्टर 12 मिनट. देखो क्वेश्चन इसके तरह ही हुआ सिर्फ क्या चेंज हो गया यहाँ पे रुपीज की जगह पे फीट जैसा आ गया. तो देखो हर मिनट 150 फीट डिक्रीज हो रहा है और 12 मिनट के बाद देखना है तो डायरेक्ट हाइट आफ्टर 12 मिनट क्या होगी. इसमें से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस करना है इसी तरह. सो हाइट आफ्टर 12 मिनट तो वो क्या होगी ओरिजिनल 2250 माइनस 150 मल्टीप्लाई विद 12. अब देखो 2250 माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 12 हमें करना है तो देखो इसका मल्टीप्लीकेशन भी काफी आसान है. अगर सिंपली मल्टीप्लीकेशन अगर आपको माइंड कैलकुलेशन आता है तो वो भी ठीक है अगर सिंपल मल्टीप्लाई करना है तो भी ठीक है. चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 150 × 12 कर लेते हैं. तो पहले तो सिंपली कर दो तो एक जीरो आ जाएगा और आगे 150. अब 2 0s are 0 2 5s are 10 carry 1 2 1s are 2 or 3 तो ये 300 हो गया तो 1800 हमारा आंसर आ गया. अब 2250 में से 1800 में से माइनस करना तो हमारा आंसर आ गया 450 फीट. मतलब कि आफ्टर 12 मिनट ये जो भी हॉट एयर बलून है वो कितनी हाइट पे होगा इट विल बी एट 450 फीट. ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम
6 marks are awarded for every correct answer, 3 marks deduced for wrong, and 0 for not answering the question. There are 12 questions for each candidate. We need to find the score for this 3 students. Sohil gets 7 correct and 5 wrong. Mahi gets 4 correct and remaining wrong. So 3 attempt only 10 questions out of 12. Matlab ki 2 attempt nahi ki. और उसमें से 6 करेक्ट आया, मतलब के बाकी के जो लोग रॉन्ग। तो चलिए, तो पहले सोहिल के बारे में बात करते हैं। अब सोहिल, सोहिल ने क्या किया, 7 करेक्ट मिले एंड 5 रॉन्ग। ओके, तो उसका टोटल स्कोर क्या हुआ? टोटल स्कोर होगा 7 करेक्ट है, तो 7 के लिए उसको कितने मार्क मिलेंगे? 6 मार्क मिलेंगे। अब माइनस, गलत है तो मार्क डिड्यूस भी होते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा। कितने गलत हुए? 5 क्वेश्चन, और सभी के लिए कितने क्वेश्चन कट होते हैं? 3 मार्क। सो बस इसका सिंप्लीफाई कर दो, 7 6 दैट इज 42, 5 3 15। अब 42 और 15 का सिंपल हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो हमें सोहिल का स्कोर पता चल जाएगा। 42 और 15 का हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें आंसर आएगा 27। तो मतलब कि सोहिल जो है वो कितने 27 मार्क स्कोर करता है। नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, दैट इज फॉर द माही। अब माही के बारे में बात करते हैं। माही ने कितने करेक्ट किए? 4 करेक्ट एंड कितने रॉन्ग हो गए, मतलब कि रिमेनिंग। तो रिमेनिंग कैसे पता चलेगा? यहां पर 12 क्वेश्चन है, तो 12 में से 4 ही करेक्ट हुए, मतलब कि 8 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे। ओके, तो मतलब कि क्या होगा, 12 माइनस 4 विच इज 8 जो होगी वो उसके रॉन्ग आंसर होंगे। तो उसका टोटल स्कोर क्या क्या होगा? उसका टोटल स्कोर 4 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6, ताकि 6 जो है वो करेक्ट आंसर के मार्क है, माइनस 8 के साथ रॉन्ग, तो रॉन्ग होगा 3। 4 6 are 24, 8 3 are 24। अल्टीमेटली माही कुछ स्कोर नहीं करेगी, माही को 0 मार्क आएगा, क्योंकि जितने उसने गेन किए मेहनत करके उतने उसने गलत आंसर देके लूज करे। नाउ लास्ट वन, दैट इज फॉर द पृथ्वी। अब ये जो पृथ्वी जो है थोड़ा अलग है इन दोनों से, सोचने वाला नहीं। वो बोला मुझे पूरे अटेम्प्ट ही नहीं करना, उसने बोला कि मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब कि 2 क्वेश्चन तो चले गए, 2 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। ओके, तो उस 10 में से उसने 6 करेक्ट दिए, अच्छी बात है। तो कितने रॉन्ग होंगे? देखो अब 10, वो जो 12 क्वेश्चन है उसमें से 2 तो चले गए, मतलब कि 10 ही क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए होंगे। अब जो उसने अटेम्प्ट किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 6 जो है उसके करेक्ट है, तो रॉन्ग कितने होंगे? 4 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे एंड 4 रॉन्ग। तो उस भाई साहब का टोटल स्कोर क्या होगा? अब देखो 6 करेक्ट है, तो 6 इंटू 6 माइनस 4 रॉन्ग है, तो 4 इंटू 3 प्लस, अब 2 तो अटेम्प्ट नहीं किए उसके लिए, तो हालांकि उसको 0 मार्क ही मिलेगा। वैसे तो अगर इफ यू वांट राइट दिस 2 इनटू 0 तो भी चलता है, ठीक है। चलो 6 6 36, 4 3 12, 2 0 मतलब कि 0, 6 36 माइनस 12 24। हालांकि उसने काफी अच्छा किया, मार्क भी अच्छा है, 10 ही अटेम्प्ट किए, तो इसका मतलब कि दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द आंसर्स। तो उसके लिए आपको सिर्फ क्या देखना है कि जितने भी रॉन्ग हो गए उसका हमें माइनस करना पड़ेगा। सो दिस इज लास्ट एक क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, दैट इज फॉर यू इन द होमवर्क, सेम थिंग यू नीड टू थिंक, एंड दिस इज हाउ यू कैन एंड अप विद द एक्सरसाइज। सो दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे टू यू ऑल।